साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास थ्री साइंस, चैप्टर 1.5 आपका होता है वर्क एंड प्ले, जिसमें हम लोग ऑक्यूपेशन की बात कर रहे थे। ऑक्यूपेशन हम लोगों ने जाना कि डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे ग्रॉसर आपका फूड बेचने का काम करता है, फूड ग्रेन जैसे हो गया, पर्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, ग्रीन ग्रॉसर हो गया वेजिटेबल और फ्रूट्स बेचता है, कॉबलर हो गया जो रिपेयर करता है शूज को। इसके अलावे ऑक्यूपेशन में हम लोगों ने कुछ स्पेशल ऑक्यूपेशन जाना था, जैसे डॉक्टर हैं जो बीमार लोगों का जो है ट्रीटमेंट करते हैं, पोस्टमैन लेटर जो है पार्सल है ये सब पहुंचाते हैं, राइटर बुक लिखने का काम करते हैं। चलिए अब आता है गेम्स एंड प्ले। ठीक है, हम लोग गेम्स और प्ले की चर्चा करेंगे, जैसा कि चैप्टर भी है वर्क एंड प्ले। तो हम लोग अब आते हैं गेम्स पे। गेम एंड प्ले आर एंजॉयड बाय ऑल पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप। फिर पिछले बार एक क्वेश्चन जो है 2020 में मेरे पास आया था, गेम और प्ले में क्या अंतर है। नहीं, गेम हम लोग कभी गेम बोलते हैं और प्ले बोलते हैं, तो इसमें अंतर है बाबू। ठीक है, तो गेम क्या होता है। ठीक है, गेम एक तरह से अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो गेम बोलते हैं, तो गेम आपका मैंने कोई भी खेल है तो उसको गेम ही बोलेंगे। नहीं, आप मान लीजिए कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं बस इंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं, ठीक है। नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप पंजा लड़ा रहे हैं, ठीक है, या ऐसे कर रहे हैं कि हाथ जो है ना वो पुटकाने का काम कर रहे हैं, कि जैसे हाथ से कितनी आवाज़ निकाल सकते हैं, ठीक है, या चिटकी बजा रहे हैं, ये सब गेम्स हो गए बच्चे। ठीक है, और जब प्ले की बात हो रही है और प्ले और गेम्स दोनों एक साथ कंबाइंड है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्ले है ना तब होता है जब हम लोग गेम को शुरू करते हैं कोई चीज़। ठीक है, गेम में सारे गेम आते हैं, तो प्ले हुआ कि जैसे शुरुआत कर रहे हैं, जैसे प्ले स्टार्ट हो गया, इसको नाउन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, प्ले का फॉर्म चलता है प्लेज, प्लेइंग, प्लेड, ये सब होता है। ठीक है, एक क्रिया है, एक्शन टू द गेम, यानी खेलने की क्रिया को हम लोग, गेम की क्रिया को हम लोग प्ले कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान रहेगा, इस दोनों का मतलब एक ही होता है, खेल और खेलना। अगर ऐसे नहीं बोलेगा कि प्ले एंड गेम, गेम एंड प्ले एक साथ होंगे तो खेल और खेलना एक साथ होगा। तो ठीक है, गेम एंड प्ले आर एंजॉय बाय ऑल पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप, यानी सारे लोग मजे करते हैं गेम्स और प्ले में। ठीक है, ये ऐसा काम होता है कि सब कोई मजा करता है। चिल्ड्रन अंडर द वर्ल्ड अराउंड देम थ्रू प्लेइंग, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता है। इट डेवलप्स दैट फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन अंडरस्टैंडिंग टीम स्पिरिट्स टू देम प्लेयर एंड व्यूअर। देखिए, हम लोग खेल खेल में बहुत सारी बातें सीखते हैं, जैसे हम लोग को कोऑपरेशन की भावना आती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, हम लोग टीम स्पिरिट यानी टीम एफर्ट, और हम लोग एक दूसरे के प्रति हम लोग का व्यवहार दोस्ताना होता है प्लेयर के प्रति, और हम लोग अच्छा व्यूअर बनते हैं, अच्छा देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है यहाँ पे, द गेम विच आर प्लेड इन साइड हाउस आर कॉल्ड इनडोर गेम, जो घर के अंदर खेला जाने वाला गेम है उसको इंडोर गेम कहेंगे, लूडो, चेस, कैरम एंड इंडोर गेम। ठीक है, आर इंडोर गेम यानी लूडो, चेस और कैरम जो होते हैं आपके इंडोर गेम होते हैं। द गेम विच आर प्लेड आउटसाइड द हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम, जो घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें हम लोग घर पे नहीं खेल सकते हैं, उन्हें हम लोग कहेंगे आउटडोर गेम। ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आर ए आउटडोर गेम, यानी क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जो होते हैं ये आपके बाहर खेले जाने वाले गेम हैं, इन्हें को आउटडोर गेम कहेंगे। यहाँ देखिए फिगर भी बनाए ना, ये देखिए लूडो है, लूडो छक्का है ना, आप खेलते ही हैं घर पे। ये देखिए चेस है, चेस है यहाँ पे, शतरंज, इसका हिंदी शतरंज होता है। ठीक है, वी प्ले कबड्डी, खो खो आर एंड हैव स्कॉप्स। ठीक है, कबड्डी में वी प्ले इन वरांदा और स्ट्रीट, वरांदा और स्ट्रीट्स में खेले जाते हैं। इट इज ट्रेडिशनल गेम प्लेड इन चाइल्डहुड ऑफ मैनी
ग्रैंडफादर्स, आप अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं, वो भी बचपन में कबड्डी जो है वह खेले होंगे, है ना। अदर ट्रेडिशनल गेम हो गए, जैसे गिल्ली डंडा हो गए, आपके स्पिनिंग टॉप्स, लट्टू नचाना हुआ, घर घर हुआ, लंगड़ी टांग हो गया एंड आँख मिचोली, ये सारे ट्रेडिशनल गेम हैं जो पहले के लोग खेला करते थे। ठीक है, नाउ ए डे चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स एज चेस, लूडो, क्रिकेट, टेनिस, सम प्ले कंप्यूटर गेम्स। देखिए, अब बच्चे अब जो होते हैं वह अलग अलग तरह के गेम पसंद कर रहे हैं, जो आपके चेस, लूडो, क्रिकेट और टेनिस से अलग हैं। लॉकडाउन में घर बैठे हुए बच्चे सब वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स, ये सब खेलते हैं। वे ऑफ प्लेइंग डिटरमाइन द गेम्स एज गेम और स्पोर्ट्स। जो हम लोग गेम खेलते हैं वह डिटरमाइन करता है कि गेम और स्पोर्ट्स जो है आपके किस तरह से खेले जाए। फुटबॉल प्लेज प्लेड इन होम ग्राउंड एज अ गेम, बट कंपटीशन एट द नेशनल लेवल वुड बी अ स्पोर्ट। ठीक है, देखिए, फुटबॉल जो घर पे के खेला जाता है वो कंपटीशन लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे अगर हो रहा हो तो ये स्पोर्ट्स इवेंट कहलाता है। नाउ प्लेइंग स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन, मैंने अब यह प्रोफेशन का रूप है, यह कमाई का स्रोत बन गया है। आप कुछ लोग के नाम भी जानते होंगे, सचिन, रमेश तेंदुलकर यानी सचिन तेंदुलकर, सायना नेहवाल, लैंडर पेस एंड विश्वनाथ आनंद आर प्रोफेशनल प्लेयर्स। दे हैव अर्न लॉट ऑफ मनी एज प्राइजेस, ये पैसे बहुत कमाते हैं खेल के द्वारा। ठीक है, ये कीवर्ड्स है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। ऑक्यूपेशन किसको बोलेंगे? वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। ठीक है, कंफर्टेबल, फील गुड और हैप्पीनेस जो है इसको हम लोग बोलते हैं कंफर्टेबल। कंपटीशन, टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग डिजायर्ड, कलेक्टिंग, टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग डिजायर्ड को हम लोग बोलते हैं कंपटीशन। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले दिन जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर के करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।